इस महिला को किसी तारुफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि साल 2023 में इस महिला की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर टीवी की स्क्रीन तक पर कई बार हुई है। ये वही अंजू है जो अपने फेसबुक पर मिले पाकिस्तानी दोस्त के लिए सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क जाकर अंजू से फातिमा बन गई थी और वहां नसरुल्ला से शादी कर ली थी। मगर फिर अंजू और फातिमा पाकिस्तान से भारत लौट आई और भारत आने के बाद बच्चों के साथ छुट्टियां बिता रही है। इसके साथ ही अंजू ने अपने पति अरविंद से तलाक भी मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद ने तलाक के दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बैठे अंजू के पति नसरुल्ला भी परेशान है। वो भारत आने की तैयारी कर रहा है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने दो बच्चे और पति को छोड़कर अपने प्रेमी नसरुल्ला के पास पाकिस्तान चली गई थी। इसके साथ ही वो सुर्खियों में आई। भारत पाकिस्तान में लगातार चर्चा बनी हुई है। पाकिस्तान में नसरुल्ला से निकाह और धर्म परिवर्तन किया। करीब 5 महीने तक वो पाकिस्तान में रही। उसके बाद कहा कि बच्चों के लिए वो भारत आना चाहती है और भारत आई भी। इस दौरान शुरुआत में वो मीडिया से बचती दिखी, मगर बाद में खुलकर सामने आई और सवालों के जवाब भी दिए। इसके बाद उसने अपने बच्चों से मुलाकात की और खुश नजर आई। दोनों बच्चे इस वक्त माँ के साथ दिल्ली में किराए के मकान में रह रहे हैं। इस बीच अब ये बात भी सामने आई है कि अंजू ने अरविंद से तलाक मांगा है। इसके लिए न्यायालय में तलाक फाइल किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद ने अभी दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही महिला ने अपने पति अरविंद के साथ रहने से भी मना कर दिया है। उसका कहना है कि अपना पक्ष मजबूती से रखूंगी, बच्चों के साथ रहूंगी, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूं। उधर महिला का दूसरा पति नसरुल्ला पाकिस्तान में काफी परेशान है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नसरुल्ला ने कहा कि जब अंजू अरविंद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो तलाक क्यों नहीं दे रहा है। वो भारत आने की तैयारी कर रहा है और 2 महीने में भारत आएगा। इसके लिए कुछ दिनों में वो एम्बेसी में अप्लाई भी करेगा। सोशल मीडिया पे चल रहे एक झूठ से भी पर्दा उठाते हुए नसरुल्ला ने कहा कि अंजू प्रेग्नेंट नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो पाकिस्तान से नहीं जाती, हमेशा उसकी फिक्र रहती है, वो हिंदुस्तान में अकेली पड़ गई है। वैसे आपको बता दें कि अंजू और अरविंद के 2 बच्चे हैं, इसमें 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू ने जब नसरुल्ला से निकाह किया तब अरविंद ने दोनों के खिलाफ अलवर थाने में FIR दर्ज कराई थी। अरविंद का कहना था कि बिना तलाक के अंजू ने दूसरी शादी की है। पाकिस्तान से आने के बाद अंजू लगातार ये कह रही है कि उसने सिर्फ बच्चों की खातिर अरविंद से मुलाकात की है। दोनों के बीच जो भी बात हुई है वो बच्चों को लेकर ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।